सादिक जी, एक क्रिकेट पर एक फिल्म बनने जा रही है 83, और आपके पिताजी का जो एक्चुअल मैच में भी बहुत बड़ा योगदान था, तो कैसे आपकी फीलिंग क्या है कि एज अ सन, एज अ क्रिकेटर? मैम, पहले बात तो मैं खुशनसीब हूँ कि बीइंग बॉर्न टू सच अ क्रिकेटर, और बहुत खुशी होती है। पहले दफ़ा जब मैं ट्रेलर देखा, आई गॉट इमोशनल, ये थोड़ा इमोशनल हो गया मैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, या यू नो उनका बेटा होते कारण, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग है, बहुत ही यू नो एक्सप्लेनेबल है ही नहीं वो फीलिंग। इट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन नॉट बी यू नो बातों में कुछ कह नहीं सकता मैं तो, दैट्स द फीलिंग। आई कैन इमेजिन जी। अच्छा, मतलब स्पोर्ट्स पे बहुत कम फिल्में बनती है, तो यू बीइंग एन ऑडियंस, आप एक ऑडियंस भी हो, तो व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन अबाउट इट? बहुत कम फिल्में होती है स्पोर्ट्स। हाँ जी, हाँ जी। या तो सस्पेंस होता है, या तो प्रेम कहानी बनती है, बट स्पोर्ट्स में नहीं बनती है। बिल्कुल सही। यू नो मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ पहले से, बचपन से, बट स्पोर्ट्स जैसी फिल्म्स इतना मोटिवेट करती हैं आपको कि आप, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका यू नो डिसिप्लिन, आपका कैसा मेहनत करता है स्पोर्ट्स खिलाड़ी, जो भी यू नो इतने फिल्म आई हैं, इट्स जस्ट गिव्स अ गिव यू डिफरेंट फीलिंग। आई मीन हर फिल्म होती हैं, डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, मगर स्पोर्ट्स की अलग ही फीलिंग है, और हर बंदे को, नॉट ओनली यू नो यंगस्टर्स, बट सबको मोटिवेट करता है, एंड इट गिव्स अ गुड किक, यू नो वो किक मिलता है स्पोर्टिंग मूवीज जब आती हैं। तो आई एम श्योर 83 ऑल्सो इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज फिल्म्स, एक वो भी फिल्म होगी, एंड इंशाल्लाह बॉक्स ऑफिस यू नो इट हिट इट। श्योर। अच्छा, आप क्रिकेटर भी है, तो अपने क्रिकेट करियर के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो आई प्लेड फर्स्ट क्लास, सॉरी लिस्ट ए फॉर कर्नाटका, एंड KPL में भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आई बीन द ऑरेंज कैप इन 2015, एंड स्टिल प्लेइंग क्रिकेट। आई प्लेड इन ऑलमोस्ट फॉर 5 कंट्रीज नाउ, और क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिटनेस कर रहा हूँ, ट्राइंग फॉर द IPL, एंड बस यही है मेरा क्रिकेट। अच्छा, आपके पिताजी ने बहुत साल पहले हिंदी फिल्में में भी काम भी किया है। हाँ जी। तो एज अ, आपको लगता है कि आपको भी वो साइड से कुछ सोचना चाहिए? बिल्कुल, आई मीन अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं कूद जाऊँगा, आई वॉन्ट हैव एनी यू नो डाउट्स इन माई हेड, बट ऑब्वियसली मैं थोड़ा सीखना चाहता हूँ, थोड़ा थिएटर करना चाहता हूँ, नॉट जस्ट यू नो जस्ट गो इन टू इट, क्योंकि ये फील ऐसी है कि हर चीज़ देता है इंसान को, फेम, नेम, मनी, और यू नो सो दिस डेफिनेटली मैं बिल्कुल सोचूंगा फ्यूचर के बारे में 100%। ओके, तो आपके पिताजी एज ए, ही वॉज अ वेरी गुड विकेट कीपर, तो हाउ डिड यू टेक हिम एज एन विकेट कीपर, एज अ सीनियर पर्सन, नॉट एज योर फादर बट एज अ प्रोफेशनल प्लेयर? तो स्कूल में यू नो आई थिंक पता ही नहीं था मेरे को, क्योंकि बहुत छोटा था, नॉर्मल, हाँ मेरे पिताजी हैं, बस उतना ही पता था, बट मेरी फर्स्ट कोच कैरन, मिस कैरन जो स्कूल में थी, उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि मेरे पापा यू नो 83 वर्ल्ड कप के मेंबर हो चुके हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड तो जब इट्स जस्ट अगेन आई एम सॉरी आई मिस दैट, क्या क्वेश्चन था मैम? मतलब आपके पिताजी एज अ क्रिकेटर, विकेट कीपर, ही वॉज वेरी गुड विकेट कीपर, मतलब फिल्मी जो क्रिकेट हिस्ट्री है, ही हैज अ वेरी गुड रैंकिंग इन दैट, तो यू एज अ हिज सन, यू आर हिज सन एज अ क्रिकेटर, क्या सोचते हो उस बारे में? मी एज अ क्रिकेटर, जब कमिंग बैक टू KPL, जब कभी नहीं आए पिताजी मेरे को मैच देखने, एंड जब KPL हो रहा था और TV में आ रहा था मैचेस, तो उसी दफ़ा बहुत प्राउड फील किया, और मैं अच्छा कर रहा था, और दैट वाज हिज आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट मोमेंट्स इन हिज लाइफ, कि हाँ मेरा बेटा भी कुछ बन सकता है, एंड क्रिकेट में है टैलेंट उसका, और बहुत खुशी हुई यू नो फॉर एज अ फादर आई एम श्योर, और सब TV पे मैच देखे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा था जब डैड ने एक्चुअली मेरा मैच देखा, उससे पहले तो देखा ही नहीं था, तो एज अ फादर, एज अ क्रिकेटर, इट्स अ बिग हेल्प, बहुत बहुत मदद मिली है डैड से, सब लोग इमेजिन करते हैं कि मेरे भी पिता क्रिकेटर हों, या कुछ यू नो ऐसा कुछ हो, मगर बहुत खुशनसीब हूँ एब्सोल्युटली, और बस यही है, एज अ क्रिकेटर बहुत एडवाइस मिलती है घर पे। तो
तो आपने कभी 83 गैंग को मिलने की कोशिश की, कभी मिले उनसे, क्या कुछ टिप्स ली आपने क्रिकेट के लिए? हाँ जी, ऑल ऑफ देम आर माय फेवरेट्स, ऑल ऑफ देम, इतने खुश मिजाज हैं सब लोग, और एनीथिंग अगर आप उनके पास जाएंगे बिल्कुल एडवाइस देंगे, बिल्कुल, एंड यू नो सही एडवाइस देंगे और ऑन द डॉट देंगे. तो सब लोग जो स्पेशली 83 बिकॉज जुड़े हुए हैं डैड के साथ, इसलिए मैं भी, मुझे भी मौका मिला है. सब लोग 83 जो टीम है 15 की, बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 फ्रेंडली हैं. तो कुछ एडवाइस दी उन्होंने एज अ क्रिकेटर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सवाल पूछता था कि सर यू नो प्रेशर कैसा हैंडल करें, स्टार्डम कैसा हैंडल करें, कैसा यू नो अप्रोच होना चाहिए आपको मैच का, बहुत बहुत एडवाइस दी है. कुछ अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे क्या कुछ एडवाइस जो उन्होंने दी थी जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ क्रिकेटर? दिस आई थिंक ये एडवाइस मेरे को संदीप भाई ने दी, संदीप पाटिल साहब ने, कि आई अपने सवाल पूछा था उनको कि यू नो कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए. वो बोले कि आप प्रोसेस को फॉलो करो, बस आप कुछ दूसरा सोचने का ही नहीं है. तो आप जब प्रोसेस को फॉलो करते हो ऑटोमेटिकली प्रेशर नहीं आएगा, जब आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो जब प्रेशर आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, जाके तुम्हारा गेम खेलो, बी नेचुरल. और ये थे संदीप भाई के वर्ड्स, अभी भी दिमाग में, इट्स एज्ड इन माय मेमोरी. तो दिस इज़ वन ऑफ द एक एडवाइस है संदीप भाई ने, और विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी क्रिकेटर. आप प्रेशर में हो जाते हो, प्रेशर में जब आते हो, जब आप मिस्टेक्स करते हो, तो ये एडवाइस थी क्रिकेटर्स को, और हर क्रिकेटर को ये आई थिंक कनेक्ट हो सकता है. ओके, तो अभी आपके क्रिकेट का, और अगर आपको एक्टिंग के लिए भी, आपको यू वांट टू परस्यू दैट करियर आल्सो, तो क्या कुछ कर रहे हैं अपना वर्क, होमवर्क उस लाइन में? अभी तक तो सोचा नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, और यू नो अभी थोड़ा और टाइम देना चाहता हूँ मेरे को यू नो इन माय क्रिकेट, एंड देन ऑब्वियसली एक्टिंग का तो कुछ एज नहीं है, मगर क्रिकेट में होता है, यू नो यू कैन प्ले ओनली टिल अ सर्टेन नंबर ऑफ एज, तो 30, 35 या 40 मैक्स हो सकता है क्रिकेट में. तो बिल्कुल सोचूंगा, मगर अभी नहीं, अभी तो सिर्फ क्रिकेट है, कोचिंग है, और बस एंजॉय करना ही है. थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम.